हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे थर्ड शिफ्ट के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो कि आज के दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जीके और जीएस के भी सेक्शंस हैं। इसके बाद हम यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स के लिए वीडियो आपके अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए गो डिजिटल स्टडी, यहाँ पर ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी 2000 से ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स मुझे आप फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। कुछ क्वेश्चन हमारे पास आप आए हैं, वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट 27 नवंबर के। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्यास सम्मेलन किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो ब्यास सम्मेलन संबंधित है आपका लिटरेरी अवार्ड से संबंधित है, ठीक है, लिटरेरी अवार्ड संबंधित है। 1991 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी, ब्यास सम्मेलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कौन सी किताब नहीं लिखी है? ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है। इसके डिपेंड करता है कि आंसर आपके ऑप्शंस क्या थे, तो ऑप्शंस के हिसाब से आप इसको इसका लगाया जाएगा। महात्मा गांधी की कुछ प्रसिद्ध बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, ये इनकी एक प्रसिद्ध बुक है। बाकी और बुक्स उनकी बहुत सारी हैं लेकिन ये इनकी एक प्रसिद्ध बुक है। तो ये इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, बाकी ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके ऑप्शंस जो है वो क्या दिए हुए थे। दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम रात में डिस्कस करेंगे आपका कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ पाए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके बहुत लंबे चल रहे हैं। ये डेट दे रखा है इसका 14 दिसंबर तक, तो यहाँ पर एग्ज़ाम आपके लंबे चलने वाले हैं। जिन लोगों का लास्ट में एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालिसिस रहेगा कि किस प्रकार के एग्ज़ाम्स जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। योनो ऐप किसके द्वारा बनाया गया है? तो एक योनो ऐप बनाया गया है SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित ऐप है। अच्छा, योनो का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कभी ना, योनो का फुल फॉर्म होता है आपका यू नीड ओनली वन, आपको केवल एक की ही आवश्यकता है, मतलब ऑल इन वन, ठीक है, यू नीड ओनली वन। इस एक ऐप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ट्रांसफ़र, पासबुक, सभी चीज़ें इसमें इन्होंने दे दिया है, तो इसका नाम रखा है योनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितनी बार विश्व कप सेमीफाइनल खेला है? तो ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4। देखिए सेमीफाइनल खेला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऐसा ही पूछा गया था 1984 में, 96 में, 15 में और 2019 में। अब आप ये मत कहिए कि सर 2011 में तो भारत ने फाइनल जीता था तो फिर सेमीफाइनल भी खेला ही होगा, तो यहाँ पर केवल सेमीफाइनल की बात की जा रही है, ठीक है, सेमीफाइनल की बात की जा रही है, फाइनल की नहीं, तो 2011 वाला काउंट नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 times। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रणब मुखर्जी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये सभी को पता होगा कि प्रणब मुखर्जी जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद से पहले, ठीक है, रामनाथ कोविंद से पहले आपका प्रणब मुखर्जी ही राष्ट्रपति थे, लेकिन किस नंबर के थे? तो ये आपका 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अब देखिए 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन हैं आपके? ये हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है। पहले नंबर के थे आपके राजेंद्र प्रसाद और वही दूसरी बार भी रहे थे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम पूछा था। डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं बिल्कुल सिंपल से, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो देखिए कुछ क्वेश्चंस कह रहे हैं कि पूर्वी घाट का पूछा था, यदि पूर्वी घाट का आपसे पूछा है तो पूर्वी घाट का क्या आंसर हो जाएगा? महेंद्रगिरी हो जाएगा, ठीक है, और यदि पश्चिमी घाट का पूछा है आपसे तो ये अनामुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनामुड़ी आपका पश्चिमी घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए ये जो वेस्टर्न घाट है ना और जो ईस्टर्न घाट है, इसको जो कनेक्ट करता है वो कौन सा कनेक्ट करता है? वो नीलगिरी की पहाड़ी कनेक्ट करती है, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी इसको दोनों को कनेक्ट करती है। एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे, EPFO का पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछा था आपका, तो बड़ा सिंपल सा है, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो PF है उसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा बिंदु, देखिए मैंने आपको ये भी क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, ऑथेंटिक नहीं है,
ये मैंने अपने पास से लिखा है। यदि आपसे पश्चिमी घाट का पूछा गया था तो आपको पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको दिया गया है सन 2020 का, तो डॉक्टर सूर्येंदु दत्ता को दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020। नेक्स्ट पूछ सकता है आपसे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, टेक्नोलॉजी में। तो याद रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिया जाता है, 2020 में आपको सूर्येंदु दत्ता को मिला है। नेक्स्ट पूछा गया था बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP, बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक कौन थे, तो देखिए BSP की स्थापना की थी आपकी काशीराम जी ने, ठीक है, काशीराम जी ने इसकी स्थापना की थी। और कुछ लोग बता रहे हैं किसका हेड पूछा गया है, तो हेड अभी जो है वो कौन है, वो मायावती जी हैं, ठीक है, मायावती जी इसकी हेड हैं और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी काशीराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेफ्राइटिस किससे संबंधित है, देखिए नेफ्राइटिस एक बीमारी होती है, किससे रिलेटेड होती है, आपकी किडनी से रिलेटेड होती है, ठीक है, यानी कि किडनी बोलते हैं हिंदी में, गुर्दे से रिलेटेड एक बीमारी होती है और ये रिलेटेड करती है आपका मानव को रिलेट करती है, ठीक है, मानव के किडनी से संबंधित एक बीमारी है नेफ्राइटिस, ठीक है। और कुछ ऑप्शन यदि आपके इस प्रकार से दिए हैं गुर्दे से, तो गुर्दा आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, किडनी। चलिए अगला देखते हैं मेंढर किससे संबंधित है, मेंढर क्या होता है, देखिए जब कोई नदी निकलती है पहाड़ों से तो वो एक सांप की तरह आकार में यदि जाती है, ठीक है, इस प्रकार से यदि वो जाती है तो वो क्या कहलाता है, वो एक मेंढर कहलाता है, ठीक है, सांप के आकार में जाना तो ये नदी से संबंधित है, नदी का एक इस प्रकार से मूव करना क्या कहलाता है, मेंढर कहलाता है, मेंढरिंग हो रही है, कहीं से सीधा टर्न होता है तो मेंढरिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जीका वायरस किस जानवर से फैलता है, तो जीका वायरस आपका मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक है, मच्छर के द्वारा फैलता है जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का समय कितना होता है, तो ड्यूरेशन कितनी होती है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की, तो दो होते हैं, देखिए 45 मिनट्स के दो राउंड होते हैं, ठीक है, सॉरी मिनट के, तो ये आपका टोटल में कितना हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा, घंटे में दे हो तो डेढ़ घंटा हो जाएगा, डेढ़ घंटा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का क्या ड्यूरेशन होता है, ठीक है, 90 मिनट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किसे मिला है, तो आप सभी ने IPL देखा होगा, 2020 का सबसे ज़्यादा विज्ञापन किसका था यहाँ पर, ड्रीम इलेवन का, तो ड्रीम इलेवन को ही इसका जो है वो स्पॉन्सरशिप मिला हुआ था। और इस बार आईपीएल जो है वो हॉटस्टार पर दिखाया गया था, ठीक है, तो हॉटस्टार और ड्रीम इलेवन को इसका स्पॉन्सरशिप मिला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कावेरी नदी किस राज्य में होकर बहती है, तो देखिए कावेरी नदी आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, साउथ के दो राज्य हैं ये, यहाँ से होकर बहती है, ठीक है, पहला है कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु, ठीक है। तो ये था आज का कुछ क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के एग्जाम्स में पूछे गए थे, और इसके बाद हम 27 नवंबर से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।